उत्तर पूर्वी जिले के सुंदर नगरी इलाके में बीजेपी नेता और आरटीआई एक्टिविस्ट जुल्फिकार कुरैशी और उसके बेटे जांबाज कुरैशी की हत्या के मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनकी पहचान 31 वर्षीय खालिद और 30 वर्षीय तारिक अली के रूप में हुई। दोनों सुंदर नगरी इलाके के रहने वाले हैं और स्क्रैप का काम करते हैं। दोनों का कहना है कि जुल्फिकार काम नहीं करने दे रहा था, उनको लेकर कई झूठी शिकायतें भी लगा रखी थी, इससे तंग आकर वारदात को अंजाम दिया। डीसीपी वेद प्रकाश सूर्या ने बताया कि मृतक के घायल बेटे जांबाज ने अपनी मौत के पहले पुलिस को वीडियो स्टेटमेंट में हमलावरों के नाम बता दिए थे। इसके बाद नंदनगरी पुलिस ने केस दर्ज कर तहकीकात शुरू की। जांबाज द्वारा बताए गए नाम के आधार पर पुलिस ने छापेमारी की। इसी दौरान सूचना के बाद पुलिस टीम ने तारिक और खालिद को नंदनगरी इलाके से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी इलाके में स्क्रैप का कारोबार करते हैं। उन्होंने बताया कि जुल्फिकार ने उनके खिलाफ कई झूठी शिकायतें भी दे रखी थी, इसी वजह से उनकी स्क्रैप की दुकान बंद हो गई थी। इसे दोनों खासे परेशान थे, इसके चलते उन्होंने वारदात को अंजाम दिया। जुल्फिकार को उस समय गोली मारी गई जब वे घर से सुबह की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद जा रहे थे। मस्जिद के ठीक बाहर ही हमलावरों ने वारदात को अंजाम दिया। बीच बचाव के दौरान जुल्फिकार का बेटा जांबाज भी बुरी तरह से जख्मी हो गया था। घटना के बाद आसपास के इलाके में जबरदस्त सनसनी फैल गई थी। दिन भर इलाके के बाजार और दुकानें भी बंद रही। जुल्फिकार बीजेपी और संघ की इकाइयों से जुड़ा हुआ था, इसकी वजह से बीजेपी में काफी आक्रोश था। पार्टी से जुड़े कई नेताओं ने मौके पर जाकर मृतक के परिजनों से मुलाकात की। वारदात वाली जगह के आसपास इलाके में स्क्रैप का काम होता है या गाड़ियों के पार्ट्स की खरीद फरोख्त की जाती है। कई बार चोरी की गाड़ियों को काट कर बेच दिया जाता है। इसको लेकर ही मृतक जुल्फिकार ने कुछ लोगों के खिलाफ पुलिस में शिकायतें दे रखी थी, जो घटना की वजह बनी। 23 तारीख की सुबह लगभग 7 बजे नंदनगरी पुलिस स्टेशन में हमें गोली चलने की एक कॉल मिली। इस कॉल पे SHO अपने स्टाफ के साथ जब मौके पे पहुंचे तो वहां दो लोग घायल अवस्था में थे, जिसमें से एक की पहचान जुल्फिकार कुरैशी उम्र 52 वर्ष के रूप में हुई, जो कि मौके पे ही डेड थे, और दूसरा जांबाज कुरैशी उनका बेटा जो गंभीर रूप से घायल था उसको SGM हॉस्पिटल भिजवाया गया। वहाँ से जांबाज कुरैशी को सफदरजंग हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया था और दौरान ट्रीटमेंट जांबाज कुरैशी की भी डेथ हो गई। इस मामले पे हमने एक 302 और 34 IPC में एक केस रजिस्टर किया था नंदनगरी थाने में, और दौरान इन्वेस्टिगेशन इसमें हमें 4 लोगों के सम्मिलित होने की सूचना मिली। इनमें से 2 लोगों को हमने गिरफ्तार कर लिया है, जिनकी पहचान एक तारिक सन ऑफ राशिद उम्र 30 वर्ष और दूसरा तारिक का भाई है जिसका नाम खालिद सन ऑफ राशिद उम्र 26 वर्ष। इन दोनों को हमने अरेस्ट कर लिया है, जिन्होंने ये मर्डर को करना कबूल किया है। और जब इनसे इंट्रोगेशन किया गया तो उन्होंने बताया कि इसके भाई नासिर की एक कबाड़ की शॉप है जो कि जुल्फिकार कुरैशी की शॉप के पास में ही है, और सामान को कबाड़ के सामान को रखने को लेके इनके बीच में झगड़ा हुआ करता था और आपस में ये लोग एक दूसरे पक्ष की एक शिकायत करते थे इस बात को लेके इनके बीच में तनाव रहता था। 23 तारीख की मॉर्निंग को ये अपने 2 अन्य भाइयों के साथ वहाँ मौके पे गए और उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया। इसमें 2 अन्य लोग जिनकी पहचान नासिर और अशफाक के रूप में हुई है, इसके लिए हमारी टीम लगी है, जल्दी हम इन्हें भी पकड़ लेंगे। दिल्ली से अतिक मलिक की रिपोर्ट।